नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। और दोस्तों आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू गेम की सीरीज जिसका नेम है दोस्तों यहाँ पे GTA San Andreas। और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरीके से GTA San Andreas गेम के मिशंस को कैसे आप स्किप कर सकते हैं, या फिर दोस्तों कैसे आप GTA San Andreas गेम के मिशंस को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। अगर दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से अपनी तरफ से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और उसी के साथ दोस्तों आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि दोस्तों आपको इसी तरीके की वीडियो इस चैनल पे सबसे पहले मिल पाएंगी। चलिए दोस्तों हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों GTA San Andreas गेम के मिशंस को यहाँ पे स्किप करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आप अपना जो डेस्कटॉप है उसे यहाँ पे ओपन कर लीजिए। और दोस्तों अपना लैपटॉप डेस्कटॉप ओपन कर लेने के बाद यहाँ पे दोस्तों आप अपना जो GTA San Andreas गेम है उसे दोस्तों आप यहाँ पे ओपन कर लीजिए। तो दोस्तों जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी मैंने दोस्तों यहाँ पर अपना जो GTA San Andreas गेम है उसे यहाँ पे ओपन कर लिया है। और दोस्तों उसके बाद आप यहाँ पे ओपन कर लेने के बाद आप क्लिक कीजिएगा स्टार्ट गेम वाले ऑप्शन पे, और दोस्तों उसके बाद आप क्लिक कीजिएगा लोड गेम वाले ऑप्शन पे। और दोस्तों यहाँ पर आपको आपकी सेव गेम की फाइल जो है सारी की सारी दिख जाएंगी। बट दोस्तों यहाँ पर अभी मैंने इस गेम को खेलना स्टार्ट नहीं किया है, इसी वजह से दोस्तों यहाँ पर अभी एक भी सेव फाइल नहीं पड़ी हुई है। तो अभी दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको एक पर्टिकुलर मिशन को कैसे स्किप करना है अपने गेम के अंदर। तो उसके लिए दोस्तों अभी आपको अपना जो गेम है उसे यहाँ पे एग्जिट कर देना होगा। GTA San Andreas गेम को दोस्तों एग्जिट कर देने के बाद यहाँ पर आपको अपना जो क्रोम ब्राउजर है अपने पीसी में उसे आपको ओपन कर लेना है। अगर दोस्तों आप क्रोम ब्राउजर यूज नहीं करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप किसी और ब्राउजर को भी यूज कर सकते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पर आप ऊपर सर्च बार में टाइप कीजिएगा GTA San Andreas सेव फाइल्स। GTA San Andreas सेव फाइल्स को यहाँ पे टाइप कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप इसे यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा। और दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आपको सबसे ऊपर आपको एक लिंक दिख जाएगी दोस्तों, जो कि होगी दोस्तों GTAforums.com की लिंक। यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले वाली लिंक पे क्लिक कर देना है। और दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको GTA San Andreas गेम की सारी जो सेव फाइल्स हैं वो यहाँ पर दिख जाएंगी। ये जो लिंक है दोस्तों इस वेबसाइट की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो दोस्तों इस वेबसाइट पे आप डायरेक्टली चले जाइएगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो GTA San Andreas के जितने भी मिशंस हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। जैसा कि दोस्तों अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको GTA San Andreas के मिशन 1 से लेके मिशन 94 तक की जो सेव्ड की फाइल्स हैं वो सारी की सारी दोस्तों आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और दोस्तों इन सारी की सारी सेव फाइल्स को यहाँ पे आप एक एक करके डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों अगर आप किसी मिशन पे अटक गए हो, मान के चलिए यहाँ पर दोस्तों आप यहाँ पे स्वीट्स गर्ल वाले मिशन पे अटक गए हो, तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे ये जो फाइल है इसको डाउनलोड कर लेना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये जो स्वीट्स गर्ल वाला जो मिशन है उसे दोस्तों आप स्किप कर पाएंगे अपने गेम के अंदर। तो अभी दोस्तों यहाँ पर मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ इस फाइल को। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। इस न्यू टैब के अंदर यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ स्लॉट्स वगैरह सिलेक्ट कर लेने हैं। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ स्लॉट वगैरह आ गए हैं। अभी दोस्तों यहाँ पर आपको अपने GTA San Andreas गेम के अंदर जो स्लॉट खाली हैं आपके सेव फाइल में वो आपको चेक कर लेने हैं। मान के चलिए दोस्तों अगर आपके पास यहाँ पे स्लॉट 6 खाली है आपके गेम के अंदर, तो दोस्तों आप यहाँ पे स्लॉट 6 डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपकी ये जो फाइल है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। तो अभी दोस्तों यहाँ पर आप इस पे ओपन कर लीजिएगा शो इन फोल्डर वाले बटन पे क्लिक करके। तो जैसा कि दोस्तों अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो फाइल है दोस्तों मेरे पीसी के अंदर डाउनलोड हो चुकी है सेव फाइल। अभी दोस्तों यहाँ पर आप इसे कट कर लीजिएगा या फिर दोस्तों आप इसे कॉपी भी कर सकते हैं। अभी दोस्तों मैं यहाँ पे इसे कॉपी कर लेता हूँ। और दोस्तों कॉपी कर लेने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वाले फोल्डर में जाना है, जैसा कि दोस्तों अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों डॉक्यूमेंट्स वाले फोल्डर में जाने के बाद अभी आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है GTA San Andreas यूजर फाइल्स वाले फोल्डर में। और दोस्तों जैसे आप उसके ऊपर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पे दो तीन फोल्डर देखने को मिल जाएंगे। अभी दोस्तों यहाँ पर आपको जो फाइल है उसे यहाँ पे पेस्ट कर देना है इस तरीके से। अगर दोस्तों आपके गेम के अंदर कोई और स्लॉट खाली है, अगर दोस्तों आपके गेम के अंदर 6 स्लॉट खाली नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर आप इसे राइट क्लिक कीजिएगा। और दोस्तों राइट क्लिक करने के बाद आप दोस्तों इसे रीनेम कर दीजिएगा। और रीनेम कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप 6 की जगह टाइप कर दीजिएगा। आप यहाँ पे 7 भी टाइप कर सकते हैं, आप यहाँ पे 8 भी टाइप कर सकते हैं। तो अभी दोस्तों यहाँ पर मैं 8 टाइप कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ये जो फोल्डर है इसे यहाँ पे क्लोज कर देना है। फोल्डर को क्लोज कर देने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप अपना जो गेम है उसे फिर से स्टार्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों गेम को स्टार्ट कर लेने के बाद आप फिर से जाइएगा स्टार्ट गेम वाले ऑप्शन पे, और दोस्तों फिर से आप जाइएगा लोड गेम वाले ऑप्शन पे। उसके बाद जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये जो सेव फाइल है वो यहाँ पर मेरे 8 स्लॉट में यहाँ पे आ चुकी है। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं नंबर चेंज नहीं करता तो यहाँ पर दोस्तों जो फाइल है वो मेरे 6 सेव वाले स्लॉट में आ जाती है। अभी दोस्तों यहाँ पर आप इस मिशन को खेलने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, और फिर दोस्तों ये जो मिशन है वो आपके पीसी के अंदर यहाँ पे लोड हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो सेव फाइल है दोस्तों वो यहाँ पे वर्क कर रही है। और दोस्तों यहाँ पर आप अपने घर के बाहर चले जाइएगा। और दोस्तों घर के बाहर जाने के बाद जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी यहाँ पर एक और न्यू मिशन आ रहा है। तो अभी दोस्तों यहाँ पर जाकर देख लेते हैं कि ये जो मिशन है वो कौन सा है। तो जैसा कि दोस्तों अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो मिशन है वो यहाँ पे डिफरेंट मिशन है। तो अभी दोस्तों यहाँ पे हमने जो स्वीट गर्ल वाला जो
मिशन था उसी तो दोस्तों हमने अभी स्किप कर दिया था। अभी दोस्तों यहाँ पर हम एक और न्यू मिशन को स्किप करने वाले हैं जिसका नेम है दोस्तों यहाँ पे ओजी लॉग। तो दोस्तों इस मिशन को यहाँ पे स्किप करने के लिए आपको दोस्तों इसी वाली फाइल को यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। अगर दोस्तों आपको इस मिशन को यहाँ पे खेलना हो तो दोस्तों उसके पहले वाली आप जो फाइल है वो डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे कि दोस्तों आप यहाँ पे ओजी लॉग वाला जो मिशन है वो यहाँ पे खेल पाए। अभी दोस्तों हमें इस मिशन को स्किप करना है, तो अभी दोस्तों मैं यहाँ पर ये वाली जो फाइल है यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के लिए दोस्तों मैं इस पर क्लिक करूंगा और दोस्तों क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके मैं यहाँ पे किसी भी एक स्लॉट को सिलेक्ट कर लूंगा। तो अभी दोस्तों मेरे गेम के अंदर यहाँ पे थर्ड स्लॉट खाली है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं थर्ड स्लॉट को यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ। और दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो फाइल है वो डाउनलोड हो चुकी है। अभी दोस्तों यहाँ पर फिर से आप इस फाइल को यहाँ पे कट कर लीजिएगा या कॉपी कर लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ और फिर से दोस्तों आप जाइएगा अपने डॉक्यूमेंट्स वाले फोल्डर में और फिर से दोस्तों आप ओपन कर लीजिएगा अपना GTA San Andreas का फोल्डर। यहाँ पर दोस्तों आप इस फाइल को यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे अपना जो गेम है उसे आप यहाँ पे ओपन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो गेम है वो स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ स्टार्ट गेम वाले बटन पे और मैं जाऊँगा यहाँ पे लोड गेम में। और दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो थर्ड गेम के स्लॉट में ये वाली जो फाइल है वो यहाँ पर आ चुकी है। अभी दोस्तों मैं यहाँ पर इस फाइल को इस तरीके से ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो सेव फाइल है वो यहाँ पे पूरी तरीके से लोड हो चुकी है। और दोस्तों अभी हमने अपना जो ओजी लॉग वाला मिशन है GTA San Andreas का वो दोस्तों अभी हमने स्किप कर लिया है। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि ये जो वीडियो है वो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आती है अपने GTA San Andreas गेम के मिशन को स्किप करने में तो दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में ऐसी किसी नए टॉपिक के साथ फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए आप खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।